नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं तो पनीर चलिए बिरयानी देखते बना हैं रही कि हूँ। सबसे पहले पनीर बिरयानी के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। आपके पास जो भी घर में अभी लॉकडाउन में अवेलेबल है, आप उससे टेस्टी पनीर बिरयानी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या सामग्री मैंने ली, यहाँ पर है प्याज, दो बड़े प्याज थे जिनको इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, करी पत्ता, पुदीना, हरा धनिया, दालचीनी, लौंग, टमाटर एक बड़ा कटा हुआ, साबुत जीरा, राई, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, सादा नमक, पनीर के बड़े पीस, दही, घी के अंदर हम इसे बनाएंगे इसीलिए घी, और राइस जिसको पहले पका लिया है। यहाँ पर बासमती राइस है, अगर आप चाहे तो इनको इस तरह से पानी के अंदर बॉईल करके ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीटी लेके बनाया है कुकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पनीर बिरयानी कैसे बनाते हैं। हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी रख लेंगे और यहाँ पर कुछ प्याज है उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ प्याज फ्राई कर रही हूँ इस तरह से, इनको हमें थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना है। आज कम कर देंगे और इस तरह से इनको फ्राई करेंगे, इनको सुनहरा होने तक फ्राई करना है। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम जार के अंदर सभी लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार तीखी छोटी लाल हरी मिर्च है, तीन छोटी लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक के टुकड़े, यहाँ पर करी पत्ता को भी मैं इसी में ऐड करूंगी, टमाटर और प्याज, इन सबको हम पीस करके और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं, गैस बंद कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई के अंदर हमें थोड़ा सा घी और रखना है, तो यहाँ पर अच्छे से घी रखेंगे हम। घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। ये है, अब हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। दालचीनी, दो छोटे लौंग, राई, साबुत जीरा और जो हमने यहाँ पर लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता का पेस्ट बनाया है उसको इसमें डाल देंगे, और टमाटर भी है तो इस सबका पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी पक गई है, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हरी मिर्च भी है इसीलिए लाल मिर्च ज्यादा नहीं डालेंगे। पनीर के पीस डाल देंगे, तो ये पनीर को पीस को इसमें डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर पनीर के मैंने बड़े बड़े पीस किए हैं क्योंकि बिरयानी में पनीर बड़े बड़े पीस होते तो अच्छे लगते हैं। अब इस ग्रेवी के अंदर हम जो राइस बनाया हुआ है उसको हम इसमें फैलाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से राइस को डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा सब तरफ। इस तरह से राइस को फैलाएंगे।
अब हम इस पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया कट किया हुआ है बारीक उसको डालेंगे, जो हमने यहाँ पर प्याज फ्राई किए थे थोड़े से उनको डालेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा दही डालेंगे, दही अगर आपकी इच्छा है तो डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाले तो चलता है। यहाँ पर हम फिर एक बार और राइस डालेंगे, एक बार इस तरह से पनीर बिरयानी बनाकर देखिए, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ पर इसे स्पून से हम इस तरह से कर देंगे, यानी कि दबा देंगे थोड़ा सा इस तरह से। एक बार और हम यहाँ पर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, जो प्याज भुने हुए हैं उनको डालेंगे, थोड़ा सा और दही डालेंगे और फिर इसे ढक करके रख पर एक प्लेट से हम इनको इस तरह से ढक देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट तक इनको ऐसे ही होने देंगे। एक को हटाकर देखेंगे यहाँ पर और गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और राइस को इस तरह से हम हल्के हल्के से इस तरह से एक बार हिला देंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और फिर इसके अंदर हम इनको निकाल लेंगे। तो पनीर बिरयानी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो पनीर बिरयानी बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच।